शम्मी कपूर भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से एक थे। 1950 से लेकर 1970 के दशक के बीच फिल्म इंडस्ट्री में उनका काफी बोलबाला था। बड़े पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग हो या फिर किरदार में जान फूंकने की बात, इन दोनों ही कला में वो माहिर थे और बॉलीवुड को आज भी उन पर नाज है। जहां एक तरफ एक्टर शम्मी कपूर ने फिल्मी पर्दे पर कई अभिनेत्रियों के साथ रोमांस किया, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी रियल लव लाइफ काफी संघर्ष भरी रही। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। जी हां, आपको बता दें कि दिव्यांगद एक्टर शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई के जाने माने कपूर परिवार में हुआ। उनके पिता महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और उनके दो भाई राज कपूर और शशि कपूर। जी हां, आपको बता दें कि शम्मी कपूर ने साल 1953 में आई फिल्म जीवन ज्योति से बॉलीवुड में डेब्यू किया। जी हाँ, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती। एक्टर शम्मी कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और फिल्म तुमसा नहीं देखा में उन्होंने काम किया और इस फिल्म में कामयाबी के उन्होंने झंडे गाड़ दिए। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने सहज और प्रभावी अभिनय के लिए मशहूर अभिनेत्री गीता बाली 50 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार थी। वहीं साल 1955 में शम्मी कपूर उनसे मिले फिल्म के सेट, रंगीन रातों के सेट पर। जी हां, मुलाकात हुई और दोनों को प्यार हो गया, लेकिन दोनों के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में कपल ने घर वालों की इच्छा के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी रचाई थी। कुछ वक्त तक घर वाले इस शादी से नाराज रहे, लेकिन फिर वो मान गए। जी हां, आपको बता दें कि 1956 में इस जोड़े के घर बेटे आदित्य राज कपूर और 1961 में बेटी कंचन कपूर ने जन्म लिया। ऐसे में शम्मी और गीता पेरेंट्स बनने के बाद काफ़ी खुश थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 1965 के जनवरी महीने में गीता बाली अपनी एक फिल्म की शूटिंग पर बीमार पड़ गई थी और उन्हें चेचक हो गया था, जिसके चलते उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा गया था। जिसके बाद 21 जनवरी 1965 महज 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद शम्मी कपूर को बहुत बड़ा धक्का लगा। कई सालों तक उन्हें नींद नहीं आती थी और छोटे बच्चों आदित्य और कंचन को मां की ज़रूरत थी। जी हां, गीता बाली के जाने के बाद शम्मी कपूर और बच्चों की देखभाल के लिए कपूर फैमिली ने उनकी लिए एक अच्छी दुल्हन की शुरुआत शुरू कर दी। जी हाँ, आपको बता दें कि शम्मी कपूर की भाभी कृष्णा कपूर ने सोचा कि शम्मी के दोस्त रघुवीर सिंह की बहन नीला देवी उनके लिए बहुत सही रहेंगी। बताते चले कि नीला देवी भावन नगर राज्य के शाही परिवार से थी और उनके माता पिता की कपूर खानदान के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रही है। ऐसे में बिना देर किए अगले दिन शम्मी के पिता पृथ्वीराज कपूर अपने बेटे के लिए नीला का हाथ मांगने उनके पिता के पास गए और उसी दिन यानी 27 जनवरी 1969 को शम्मी कपूर और नीला देवी शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। वहीं शादी होने से पहले एक दिन शम्मी कपूर ने नीला को अपने घर पर बुलाया और दोनों ने पूरी रात बात की, जहां शम्मी ने अपनी पहली शादी और बच्चों के बारे में सब कुछ बताते हुए शादी करने के लिए भी कहा। लेकिन शम्मी ने गीता के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि शादी के बाद वो उनके बच्चों को ही अपना बच्चा मानेंगी और एक भी बच्चे को जन्म नहीं देंगी। जी हाँ, इस शर्त को देवी ने स्वीकार कर लिया। जी हाँ, और ऐसे ही कपूर और नीला देवी की शादी हो गई। वहीं आपको बता दें कि शम्मी कपूर ने 2011 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।